मैं बहुत सारे विशेज मांगती हूँ. मैं वो भक्त हूँ जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ. बट जो सबसे स्पेशल इस साल मैंने मांगा है, मैंने सबके लिए सद्बुद्धि मांगी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब सबकी बुद्धि अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होता है. आपकी वाणी सुधर जाती है, आपका जो व्यवहार है वो सुधर जाता है, आपका वातावरण सुधर जाता है. तो प्लीज़ गणपति बप्पा मोरिया सबको सद्बुद्धि दे दो. मैं हर साल की तरह मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि उनको मुझसे ज़्यादा पता है कि मुझे और दुनिया को क्या चाहिए. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए, और जो मेरा परिवार है और आप सब जो हमें देखते हैं रोज़ आपके घरों में हम आते हैं, आप सबके भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं बस उनको हम सबसे ज़्यादा पता है. बस थैंक यू. इसी के साथ साथ जब गणपति बप्पा आते हैं तो सब लोग एक स्पेशली कपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक गुड न्यूज़ की विशेष मांगते हैं. तो आप लोगों से जानना चाहेंगे ये गुड न्यूज़ हमें कब सुनने मिलेगी आप लोगों की. गुड न्यूज़ तो इतनी गुड न्यूज़ है दुनिया में, गुड न्यूज़ ही तो है आजकल है कहाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने सोचा नहीं था जब मैं पहले साल यहाँ आया था कि मैं यहाँ पे सेकेंड गणपति हमारा फेस्टिवल एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड है. तो मैंने ये अपने आप में इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा. तो वही आज मैं अभी बात कर रहा था राजन सर से, मैंने कहा सर ये आपका और गणपति जी का आशीर्वाद है कि अनुज को इतना लोग चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं. एंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में उधर बोला था कि सब मुझे पूछ रहे थे आप क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं कि गणपति फेस्टिवल आ रहा है. तो हम एज टेलीविजन एक्टर्स, क्योंकि हमारा शो सातों दिन आता है तो हमारी छुट्टी तो होती नहीं, तो हमारे लिए ना संडे है ना मंडे, एवरी डे वी आर वर्किंग. सो दो तीन दिन पहले मैं सीन कर रहा था रूपाली जी के साथ, जो शायद आज टेलीकास्ट हुआ है, रोमांटिक सीन था कुछ कूदा कादी का बेड के ऊपर से ये वो. तो मैं सीन करते करते थोड़ा एनर्जी सबको पता ही है थोड़ी ज़्यादा है, मेरा पैर स्लिप हुआ कारपेट पे, और मैं इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन द बेड मैं चश्मा पहने था अनुज वाला और हाथ में सामान था सीन में, तो मैं ज़मीन पे गिरा फेस फ्रंट और पूरा शूटिंग 2 सेकंड के लिए रुक गया. और मुझे 2 सेकंड समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बिकॉज बहुत ही बुरा फॉल था. बट जैसा बोलते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता आ चुके थे, उन्होंने ज़्यादा टेंशन दिया नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चश्मा वश्मा टूटा, थोड़ा कटा वटा, बट लकली कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ. तो मैं वही आकांक्षा को घर जाके बोला, मैंने कहा बस गणपति पापा आ चुके हैं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है, बड़ी कोई विघ्न था जो कम में हट गया. सो गुड न्यूज़ ये गुड न्यूज़ है कि आग बच गई, ये सब बच गया है. और दूसरा गुड न्यूज़ है मैं बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स की हीरोइन बनने वाली हूँ. ये वाला गुड न्यूज़, ये वाला गुड न्यूज़ है. अरे क्या आजकल वो गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ तो झूठ नहीं बोलते ना. ये मजाक कर रही हूं मैं, आप सब मैनिफेस्ट करो मेरे साथ कि ये नया गुड न्यूज़ मैं ये वाला दे सकूं. यार बच्चे वाला गुड न्यूज़ हर कोई देता है, हम कुछ अलग गुड न्यूज़ देना चाहते हैं. वो भी एक गणेशा के रूप में अपने आपके घर में. गणेशा तो भाई है ही, रूप में मिले ना मिले वो भगवान के ऊपर है, बट फिलहाल के लिए वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन अ वर्क. तो ये वाला गुड न्यूज़ को अभी टाइम है होने के लिए. वैसे भी आजकल बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत सारे यार दुनिया में ऑलरेडी गुड न्यूज़ ऐसे घूम रहे हैं. अनुपमा के अलावा गौरव आपसे, अनुज आपसे अगर बात करें तो क्या कुछ और पाइपलाइन में है, क्या एनी प्रोजेक्ट? नहीं अभी फुल टाइम, अभी एक्चुअली स्टार परिवार बस हमने लास्ट किया है जो अनुपमा के अलावा किया है, क्योंकि हमें एक्चुअली वक्त नहीं मिलता यहाँ से. बहुत ही कट टू कट चल रहा है, कोई बैंक नहीं है एपिसोड्स का. जैसा मैं बोला परसों जो चोट लगी थी वो सीन आज आ गया है, टेलीकास्ट हो गया है सुबह. सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि ऑफकोर्स एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हैं कि आप पिछले दिन से कुछ बेहतर काम करें. सो वो मौका मुझे अभी अनुपमा में मिल रहा है, तो आई एम रियली इन्जॉइंग एंड वेरी थैंकफुल कि आप सब इतना चाहते हैं अनुज को, एंड अनुपमा और अनुज की जोड़ी इतनी हिट है. सो थैंक यू सो मच. नहीं हॉलीवुड का ऑफर है बोल नहीं रहे यार गौरव यार. मेरी बीवी मैनिफेस्ट करती रहती है बड़ी चीजें करने के लिए. पापा का टाइम है यार, बड़ी बड़ी वो बोलते हैं घर की लक्ष्मी अगर कुछ अच्छा बोलती है अच्छे दिन तो हो जाता है. तो हो सकता है कि हो जाए, तो ये इंटरव्यू आप सबको काम आएगा फिर आगे. क्या पता यार, यू नेवर नो. लास्ट ही जाते जाते जाना चाहिए आकांक्षा आपसे कि जब गौरव अनुज इतने बिजी रहते थे, हाउ यू मैनेज और इस तरह अगर ऐसी चोट भी लग जाती थी कैसे आप मैनेज करते? तो मुझे, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब गौरव शूट करते हैं, गौरव आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस. बहुत सारे एक्टर्स हार्ड वर्किंग होते हैं, बट मेरा पति उनमें से एक है. वो कभी घर पे नहीं आते हैं, वो कभी सेट पे नहीं बोलते कि मैं घर जाना चाहता हूँ. वो उनको ना बीवी के बर्थडे के लिए टाइम है, ना एनिवर्सरी के टाइम के लिए, ना कुछ टाइम नहीं. बट इट्स ओके, नो नो नो, आई एम वेरी कंप्लेन.
बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी. भगवान की दया से हमें काम है जी, हम खुश हैं. और सबसे बड़ी बात है अच्छा अच्छा काम है, अच्छा काम है, आप सबका इतना प्यार है, सो नो कंप्लेंट्स. बट जैसे आपने बोला, जब सेट पे गिरे उसके बाद में चोट लगने के बाद मुझे बस एक फोटो आया, फिर हमने सिर्फ फोन पे दो मिनट बात की, फिर बेचारे वापस चले गए सेट पे शूट करने. इसने पूछा घर आ रहे हो, मैं कहा नहीं, मेरे भी तीन सीन है. पूछा कि आप आर यू कमिंग होम नाउ, बट गौरव वाज लाइक नो बेबी, वी हैव टू शूट, आई कैन नॉट कम होम. तो बस ऐसे ही होता है जब आप काम करते हो, तो फिर आई थिंक इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल. जब तक गणपति का आशीर्वाद है, कोई टेंशन नहीं, कोई वीक नहीं है. अगले दिन भी छुट्टी नहीं थी, मतलब मैंने एंटीसिपेट किया था मेबी कल डॉक्टर के पास जाएंगे, बट कुछ नहीं. बट लकीली इट्स नॉट दैट, आई मीन ऐसा नहीं है, वो इंजेक्शन मैंने यहीं सेट पे, हमारे प्रोडक्शन वालों ने बड़ी हेल्प करी, उन्होंने ठीक है, जैसे गौरव ने बोला बप्पा ने बचा लिया, तो बस इससे ज्यादा क्या चाहिए. बाकी हम बहुत स्ट्रांग है, बट बड़ा ही सख्त मुंडा है हमारा, सख्त लौंडा, सख्त लौंडा. लास्ट में मैसेज भेजो अपने फैंस को. मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ तहे दिल से, और मैं इधर से स्टार्ट करूँगा ताकि जो भी इंटरव्यू देख रहा है वो उनको लगे कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ. मैं आपसे और आप सबसे और आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. हो सकता है मैं आप लोगों को कभी मिला ना हूँ, आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप जहाँ भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि एज अ टेलीविजन एक्टर हम बहुत मेहनत करते हैं, और वो हमारी जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है बहुत फ़र्क है, बिकॉज इट्स एज गुड एज अ वेरी टीडियस जॉब विच वी ऑल डू. सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने सारी फ्रेटर्निटी की तरफ से बात कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच कि आप हमको इतना प्यार देते हैं, और हमें भी बड़ा मज़ा आता है जब आपके अच्छे फीडबैक आते हैं. कई बार इतने अच्छे फीडबैक नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं आज फिर आप सबके माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ, जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ हम तक पहुँचाइए, हमें बताइए कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप अरे बुराई क्यों कर रहे हो, आप तारीफ़ क्यों कर रहे हो, जो आपको लगता है आप प्लीज़ हमें बताइए, और हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, हम कोशिश करेंगे, वी विल गिव 100%. समटाइम्स नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन जो आपको पसंद आया है उसके लिए बहुत बहुत वेलकम. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए काम करके, एंटरटेन करके. थैंक यू.